हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो अभी मैं उठी थी, लेट तो नहीं उठी थी, जल्दी उठ गई थी क्योंकि परी को स्कूल जाना था। तो 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी और अभी बस नहाने की तैयारी कर रही हूँ, नहाएंगे और आज बहुत सारे काम करने हैं। आज ट्यूसडे है, शॉप पे तो जाना नहीं है और सोनू के घर भी जाना है क्योंकि सोनू जयपुर शिफ्ट हो गई है, तो उसने आज हमें इन्वाइट किया अपने घर पर। तो हम लोग देखते हैं, अभी उसको कॉल करती हूँ कि शाम का प्रोग्राम रखेंगे, तो शाम को जाऊँगी सोनू के घर और बाकी शेयर करेंगे पूरे दिन का व्लॉग कि कैसे क्या रूटीन रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना, जो मेरी लेगिंग है उसको प्रेस करना है मुझे, क्योंकि ना बहुत ही गंदी हो रही है। प्रेस में दी नहीं थी, सुशीला ने भूल गई थी शायद, और हमारे स्विच जो है ना, सारे स्विच खराब हो गए। तो ये लग भी नहीं रही है प्रेस, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो प्रेस करते हैं अब, लाइट नहीं दिख रही। जाओ गेट बंद कर, जाओ टाइम नहीं लगेगा ज्यादा प्रेस में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट से कर लेते हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही टाइम पास करूंगी। और आप लोगों को इवेंट वाला व्लॉग कैसा लगा बता देना कमेंट करके। बाकी बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि ना आपने इंजॉय किया होगा, बट हमने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। तो वो तो देखिए आप वीडियो के थ्रू क्या ही इंजॉय करेंगे, है ना। वो तो इंजॉय तो हमने ही किया क्योंकि हमने डांस किया, हमने मतलब गेम्स वगैरह सब हमने खेले, तो हमने इंजॉय किया। आप तो क्या इंजॉय करोगे, बट ना वही है ना यार कि शेयर तो करना बनता है ना। जब हम लोग डेली लाइफ मतलब रूटीन शेयर करते हैं, तो वो भी एक डेली लाइफ का पार्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि शेयर तो करना बनता था, है ना। और अभी 30 तारीख को फिर से इवेंट है और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बहुत सारा प्यार देना प्लीज़, और बता देना, है ना, कि कैसे क्या है। और आपने पासेस बुक नहीं किए अभी तक तो कर लेना, 30 तारीख को इवेंट है, जयपुर में ही है, तो कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और अभी मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है तो मैं पहले बात कर लेती हूँ। तो हो गई हमारी लेगिंग प्रेस और अभी मैं यही वाला कुर्ता पहन रही हूँ, क्योंकि यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले सोचा था जींस पहन लूँगी, फिर सोचा पूरे दिन अनकंफर्टेबल रहूँगी जींस में, तो इसलिए कुर्ता पहन लिया। प्रेस का तार निकाल देती हूँ, अब मैं नहाने जाती हूँ फटाफट से, जल्दी से नहा के आ जाती हूँ, बाकी का काम फिर करेंगे। हेलो जी, तो मैं रेडी होके और अभी गाड़ी में मिल रही हूँ आपसे, क्योंकि मैंने खाना वाना खाया, थोड़ा नेल पेंट वगैरह रिमूव किया क्योंकि नेल पेंट बहुत ही गंदी लग रही थी, उतर गई थी आधी, तो मैंने नेल पेंट हटाई। और उसके बाद अभी 11 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ा, क्योंकि ना मुझे अपना ड्रेस देख के आना है। लहरी का जो ड्रेस है वो मैंने अभी तक नहीं बनवाया, और आज डेट कितनी हो गई मुझे ये भी नहीं पता, 25 तारीख हो गई, सिर्फ 5 दिन है, मतलब 5वें दिन तो है ही इवेंट, और मैंने अभी तक कोई भी ड्रेस वगैरह फाइनल नहीं किया। तो अभी मैं मार्केट ही जा रही हूँ, देखते हैं कि कुछ समझ आता है या नहीं आता, बट नहीं मतलब बनवानी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि मैं बहुत लेट जा गई हूँ इस बार। तो बस चलते हैं मार्केट और देखते हैं कुछ ड्रेसेस, जिनमें से कुछ पसंद आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर कहीं और से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अभी तो मार्केट। सो झोटवाड़ा मैं आ गई थी और मैंने फैब्रिक तो ले लिया था मेरी ड्रेस के लिए, लेकिन यार आज है ना ट्यूसडे है, तो ना तो मुझे कोई डायर मिल रहा है, ना मुझे कोई टेलर मिल रहा है, तो मैं क्या ही करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और 25 तारीख तो हो चुकी है आज, मतलब 25 तो निकल ही जाएगी, 26, 27, 28, 29, 4 दिन है, 4 दिन में मुझे डाई करवाना है लहरिया और स्टिच करवाना है ड्रेस को, और थोड़ी बहुत लेस वगैरह लगवानी है उस पर। तो देखते हैं कि कैसे क्या होगा, भगवान जाने, कुछ भी पता नहीं है। तो अभी मैंने फ़ोन किया लेकिन डायर भी नहीं है, और क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलते हैं। सो गाइस, मैं घर आ गई थी और घर पे जैसे ही नीचे आई कॉल आ गया, तो मैं भी जा रही हूँ मीनाक्षी जीजा के पास। तो अभी हम लोग जाएंगे मीनाक्षी जीजा के पास, क्योंकि ना मीनाक्षी जीजा के कुछ वीडियोस वगैरह हैं जो कि मेरे फ़ोन में बनाए हुए हैं, क्योंकि उनके फ़ोन में स्पेस ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने बोला कि यार या तो तुम आ जाओ या मैं आ जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही फ्री हूँ तो मैं ही जाती हूँ, वैसे भी हमारे घर पर बैठ के बात करने वाला माहौल नहीं है, क्योंकि हमारे घर पर ना इतनी काएँ काएँ रहती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ऑफिस से चली जाती हूँ, थोड़ी बहुत बातें बातें भी कर लेंगे और मीनाक्षी जीजा का जो काम है वो भी हो जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ मीनाक्षी जीजा के ऑफिस और बस वहीं मिलेंगे सीधा आपसे, क्योंकि अभी मैं गाड़ी चला रही हूँ। ब्लॉग स्टार्ट, बिल्कुल।
तो मैं मीनाक्षी जी के पास आ गई थी और 3 बज गए। मैं कितने बजे आ गई थी? 12:30 1 बजे आ गई थी ना। और बातों में पता ही नहीं चला कि 3 बज गए, पता ही नहीं चल रहा कि 3 बज गए। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है जीजा के पास। सुबह सुबह तो मेरी तबीयत खराब थी, अभी ठीक हो गई, अभी ठीक हो गई। हाँ तो अभी ठीक है, बातें करने से जीजा की तबीयत ठीक हो गई। और बस अभी हम जीजा से बातें कर रहे हैं। और परी हमारे लिए पिज्जा लेके आई, इधर आओ। हेलो। तो परी हमारे लिए पिज्जा लेके आई, बस पिज्जा खा के हम लोग निकलेंगे। जीजा बहुत जिद कर रहे हैं कि नहीं खाओ खाओ। जीजा वैसे मैंने आज से डाइटिंग स्टार्ट की थी। हाँ तो कल से करें। कल से करें, वो कल कभी आते ही नहीं। बात ये है जैसे आपको जरूरत नहीं है जीजा, थोड़ी सी जरूरत। इस बार मैं ना इवेंट में अपने आप को देख के वो हो गई, बहुत मोटी लग रही थी। हाँ तब्मी है बस आपका, बाकी कुछ नहीं। बस अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद। मीनाक्षी जी ने हमारे लिए पिज्जा मंगवाया और चाय बनाई है राज सर ने। राज सर चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, तो वैसे चाय पीती हूँ लेकिन राज सर के हाथ की चाय पी लेते हैं। आज ही इसकी डाइटिंग शुरू है, आज ही डाइटिंग शुरू है, आज ही डाइटिंग तोड़ दी हमने। जैसे फास्ट शुरू होने से पहले तोड़ दिया। हेलो जी, तो मीनाक्षी जीजा से मिलके आ गई मैं। और मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, जब उनके पास बातों में बैठ जाओ ना तो बस पता ही नहीं कैसे टाइम बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि टाइम क्या हो गया। अभी 4 बज चुके हैं, मैं 3:30 वहां से निकल गई थी, तो बस अभी आधा घंटा मुझे लग गया ट्रैफिक में, या फिर हो सकता है मैं थोड़ा जल्दी निकली लेट निकली, मुझे नहीं पता, मैंने टाइम देखा नहीं था एग्जैक्ट। तो बस अभी मैंने बच्चों को नीचे बुलाया क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा के ले आती हूँ, क्योंकि यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता। संडे के दिन भी मैं शॉप पे चली जाती हूँ तो मैं बिजी रहती हूँ, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। तो आज मैं फ्री थी, तो वैसे मेरा प्लान था कि आज मैं पूरा दिन बच्चों के साथ बिताऊंगी, गई थी वहां पे, पर कोई बात नहीं। अभी 4 ही बजे हैं, अभी भी हमारे पास 5-6 घंटे हैं, तो मैं बस बच्चों को नीचे बुलाया है मैंने। सुशीला भेज रही है बच्चों को नीचे, तो उनको कुछ खिला पिला के और उसके बाद जो है थोड़े झूले वूले झूला दूंगी मैं उनको, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। बस बच्चों को यही सब चाहिए होता है, तो बस आते ही होंगे बच्चे अभी। और मेरी ड्रेस की मुझे बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि कोई भी ड्रेस मेरी रेडी नहीं है, और मेरी आंखों में भी पेन होने लग गया क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा था। जीजा के पास बैठी थी ना उस टाइम, यार मुझे शर्म आती है एक तो इस चश्मे की, तो मैंने लगाया नहीं था, तो मेरी आंखों में बहुत तेज पेन होने लग गया और आंसू भी आने लग गए। वीडियो एकदम क्लियर आ रहा है ना, शाम का टाइम है ना, तो इस टाइम का वीडियो थोड़ा सा क्लियर ही आता है। तो बस अभी हम लोग जाएंगे नेशनल हैंडलूम, क्योंकि बच्चों को पूछ लूंगी, जो भी उनको खाना होगा वो लोग खा लेंगे, तो ये मैं बता देती हूँ। और ये वाला लगा रही थी, मेरी आंखों में बहुत तेज पेन हो रहा है। और ये चश्मा भी ऐसा बनाया है, सही नहीं बनाई है, टेढ़ा टेढ़ा बना दिया, मतलब टेढ़ा है ये यार। मैं कितनी भी कोशिश करूँ सीधा सीधा करने की लेकिन ये होता नहीं है, तो मैं वापस लेके जाऊंगी इसको। लेके गई थी वैसे, देख सकते हो आप इधर से ऊपर है और इधर से नीचे, हल्का सा ही फर्क है। वैसे आप लोगों को पता नहीं नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा है, बट मुझे बहुत नजर आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं दोबारा इसको लेके जाऊंगी। तो बस अभी बच्चों का वेट करें, कुछ नहीं, गार्ड अंकल पूछ रहे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बच्चे चाहिए बस, बच्चे आ जाए फिर चलेंगे। तो मेरा पेट भी गिर गया और एक्साइटमेंट देख सकते हो आप इनकी, ऐसे भाग के आ रहे हैं जैसे कोई इनको जेल से छोड़ा हो ना। हेलो बेबी, हेलो अशु बेबी, वेट वेट वेट, ओ ओ भाई धीरे 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 बिठा दे, सुन अरे मम्मा को होगी तो बोली नहीं, होगी तो बोली नहीं, होगी तो होगी तो। कहाँ जा रहे हो? ना पीछे बैठ। ओ भाई ऐसे ही उछल रहे हैं, उछल उछल के। सोनू बंद कर बेटा, से बाहर अच्छी लग रही है नहीं, अंदर अच्छी लग रही है, बड़ी है ना, तो बाहर अच्छी नहीं लग रही, इसको अंदर करो, बाहर अच्छी लग रही है, नहीं अंदर करो, अंदर करो, बहुत बड़ी लग रही है। सोनू उसको पीछे बैठा दे और बेटा ये बंद कर दे फटाफट, बंद कर दे, कि जोर जोर से करते हैं। बाय। हेलो जी, तो हम लोग आ गए कहाँ गए परियम? पिज्जा हट। पिज्जा हट, पिज्जा हट आ गई क्योंकि बच्चों को पिज्जा खिलाने के लिए ले आई थी मैं, क्योंकि मेरे बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद है ना अशु, पिज्जा पसंद है आपको? हाँ। तो यहाँ पे अर्शु और परी पिज्जा खाने लग गए, और मुझे बिल्कुल भूख नहीं है क्योंकि मैं जस्ट अभी पिज्जा खा के हूँ मीनाक्षी जीजा के पास, तो मैं बच्चों को खिला देती हूँ, फिर जो नहीं खाएंगे वो तो मुझे खाना ही है ना, बच्चा कुछ बच्चा कुछ तो मुझे ही खाना पड़ेगा। गर्म है क्या? पर पक्का अर्शिला गिरा मत लेना आपको,
घसे जल्दी लगा सॉस है इसमें लगाओ। सुनता नहीं एक तो लड़का ले अच्छा तेरा तो पेट भरा हुआ है क्या खाया तूने कुछ नहीं खाया मुझे ऐसा क्यों लगा तो बनाओ क्या अगर मेरे लिए हाँ हाँ बिट्टू उतारो जंप कर लो उषा जी देखो आज राम एक छुट्टी मनाई है पूरी आज मैंने सोनू भाई साहब की जब बताई ननद भाई साहब जब बताई ये खाना पर बुलाया है और ये सोच रहा है कि मारो बर्तन साफ करा ले तो मैं पढ़ाओ कर मिलो मेरी तैयार होगी तो अपने का सूट पहले भी कोई तैयार कौन के कोई बर्तन गुंदता ही कौन के कहां से बचवा नहीं राठौड़ा की बाया होशियार राठौड़ा की बाया होशियार हुए ये मेरा बुगलू और यहाँ पे उषा जी पार्सल पैक कर रहे हैं और कुलदीप उनकी हेल्प कर रहा है बिनी थे का बाल कौन काटा आज का बाल काटना है आज कोई बात को नहीं मंगलवार ने भी काट दी साफा आज आज तो इसको जड़ूल उतार गंजो तन करा गंजो तू देख अभी सोनो कैंची लिया मोटोड़ी घास काटे कर खच 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 भगवान के सोगनी कितना दिन हो गया मन कहता है तू बाल कटा ले तू बाल कटा लो बाल कौन कटा मैं मन ही काटना पड़ेगा आगे हो या टीनो तेरे नाम बना दूंगी एक साइड हुई एक बार बंद बुजुर्ग का ये एड्रेस हो तो अभी हम लोग जा रहे हैं सोनू के घर और पता नहीं क्या ही क्यों लेके जा रही है तो हम लोग जा रहे हैं बैठ जाओ जल्दी जल्दी सब लोग तो चल सी चल ठीक है तो हम लोग जा रहे हैं मम्मी वगैरह मासी वगैरह सब घर देखने जा रहे हैं उसका बेसिकली बस और कोई काम नहीं है मम्मी खुली का है तो ये सोनू ने हमें बुलाया है कि ना बर्तन मासी इतने सारे सोनू के बर्तन साफ कर रही है मासी मासी आप पाव ना आया सब बर्तन मांजने के लिए लड़ रहे हैं बर्तन मांजने के लिए लड़ाई कर रहे हैं सब लोग सोनू देख के खुआ तो खुआ नहीं जा रहे हैं भाई मैं तो बराबर पावनी बैठी है बराबर पावनी बैठी है तो हमने सोनू की शादी की कैसे देख ली है और अभी हम लोग बैठे हैं बस बातें बातें कर रहे हैं और ये सोनू का घर सोनू के घर आए थे आज तो सोनू मैडम कुछ बता दो गाइस को क्यों 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 बुलाया तूने हमें बर्तन साफ करने के लिए ये हमारे बराबर मेहमान बन के बैठी है एक पानी की बोतल ला के रख दी कि पियो और मौज करो और इतनी जबरदस्ती लाई है कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल दिखा जो कितनी बड़ी तो ये कोल्ड ड्रिंक की इसमें से पी लो एक घूंट तो बस शादी की कैसे दिखा दी हमें और बस अभी हम लोग बातें बातें कर रहे हैं अभी कुछ मंगाएंगे खाने के लिए फिर हम लोग खा पी के जाएंगे तो सोनू का घर दिखा देती हूँ आप लोगों को अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है इसने सामान ही नहीं जचाया क्या ही दिखाऊंगी बाद में दिखाएंगे जब अच्छे से सेट कर देंगे अभी सारा सामान इसका पैक वैक ही पड़ा अभी इसने सेट नहीं किया सामान खाबा पर कंट्रोल को नहीं मारा तो खाऊ मैं आजकल आज मैं सोची डाइटिंग करूंगी और मैं तीन बार पिज्जा खा लियो तीन बार और वो भी तीनों बार तीन तीन स्लाइस नहीं खाए पर इतना कोई खाया जाता है पागल है क्या तू तीन बार है कोई तीन बार नहीं खाए सोनवासी के घर में एक ही स्लाइस पिज्जा का नहीं खाया वो बस वो राउंड वाला है ना वही खाया था मैंने तो सो को यार परी पापा हाँ इतना सा परी इतना डब्बा ही नहीं था वो तब तो मारूंगी अरे मम्मी बहुत तो बस गाइज आज की व्लॉग को यहीं पेंट कर रहे हैं और बस
हाँ सही बात है, निशान नहीं बनू मई फिर बेट तो जोर आई मैं मतलब मोटी होगी यार मैं, मुझे ऐसा लगने लगे मैं बहुत ही ज्यादा मोटी होगी, मेरे गाल वाल सब भयंकर मोटे हुए, तो करेंगे यार वजन कम। वॉक ना वॉक जाया जाता है ना ना जिम जाया जाता है बच्चों के कारण, इनका स्कूल का टाइम इतना खराब है कि क्या ही बताऊं। पहले मैं परी को 7 बजे मतलब 7:15 बजे स्कूल चले जाती थी, फिर मैं नीचे से जिम चले जाती थी, लेकिन अब मैं जा ही नहीं सकती क्योंकि अर्शु को रेडी करना होता है मुझे वापस आके ऊपर, और अर्शु जाता है 9 बजे, फिर 9 बजे बाद में काई का जिम, फिर मेरा मन नहीं करता लेट जाने का। सवा सात जाऊं फिर 8 बजे वापस आ जाऊं, 10-15 मिनट जाने में लगती है, 10-15 मिनट आ गए मतलब 15 मिनट जिम करके आऊं मैं, तो क्यों 8:30 बजे आ जाएगा और सुबह 9 बजे आता है, आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। तो बस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं अच्छा लगे जना भी जना की गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट बोल दो फ्रेंड्स को, गुड नाइट इस लड़के को मैं पिछले 1 घंटे से मना कर रही हूँ कि ना घर यहाँ पे मत खेल, पर ये नहीं माना, और अभी इसने क्या किया क्या कर दिया बता दे फ्रेंड्स को, ग्लास कांच का ग्लास रखा हुआ था वो इसने क्या कर दिया, फोड़ दिया। अब सफाई कौन करेगा, मम्मा तो कोई कौन करे, देख करो बाप बेटा मैं इतनी देर मना कर रही हूँ, तो ये ग्लास इसने ना तोड़ के ही माना है, देख लो मैं इतनी देर से इसके पापा को उसको मना कर रही हूँ कि मत करो कुछ नुकसान हो जाएगा, लेकिन मान नहीं रहे और गिलास तोड़ दिए इन दोनों, मत जाओ उधर बेटा छोटे छोटे कांच होते हैं, बढ़िया खेल लो तो और असर वाले जाओ, इन जाओ पापा बोल रहे थे कि कोई मैं तो सुबह साफ कर दूंगा, मैंने कहा पापा मैं रात को सो जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगी कांच रहा, मेरे रात को सुबह पैर में सूज जाएगा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। किसने तोड़ा ये ग्लास, मैंने हंस रहे हो रे फ्रेंड्स, आपको पता है ये गिलास अर्शु ने तोड़ा और पापा ने मेरा नाम लगा दिया इसको, वाह आ गई करो लाड, इसकी कोई गलती नहीं, इन बाप बेटों की कोई गलती नहीं है, हम मां बेटियों की गलती है, है ना पापा, ये तो झूठ मत बोलो करो, एक तो बेचारा चुप क्या अर्शु, एक तो इसकी गलती है ऊपर से जीजा का नाम लगा रहे हो, मेरी गलती है वो, हाँ जीजा की गलती नहीं है कुछ भी, हाँ फालतू में जीजा का नाम झूठा मत लगाओ पापा, है ना अर्शु की गलती है ना, हाँ मेरी गलती है पापा जीजा का नाम लगा रहे हैं, हाँ बिना मतलब ही देख लो इनके अक्कल है कि झूठा नाम नहीं लगाना चाहिए, है ना हाँ, और एक मैं बच्चा हूं, और गलती हो जाती है ये खुद की गलती महसूस करता है, लेकिन आप महसूस नहीं करते अपनी गलती, हाँ, और मेरी गलती के सामने जीजा की गलती लगाते हो, मेरी गलती है इसकी गलती है, जीजा की गलती क्यों लगा रहे हो इसके सामने, हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, बैड मैनर्स होता है, हाँ हाँ सॉरी बोल दो, चलो सॉरी बोलो, आप बोलो, आपने भी तो ग्लास तोड़ा ना, आप भी सोई गई, सॉरी वेरी गुड, पापा कोई डांट रहा है कि पापा गलती तो मेरी है, आप जीजा का नाम क्यों लगा रहे हो, हाँ तो मेरी गलती है फ्रेंड्स, पापा जीजा का नाम लगा रहे हैं गलती मेरी है, ऊपर से पापा जीजा का नाम लगा रहे हैं, ऊपर से नाम मत लगाओ ठीक है ना, जीजा का जीजा की कोई गलती नहीं, झूठा नाम लगाने से पाप देते हैं गॉड, हाँ गॉड पाप देते हैं झूठा नाम लगाने से, बोल दो पापा आप नहीं लगाना कभी भी, हाँ बहना है ना अपनी, है ना, हाँ और मैं एक अपनी बहन का छोटा भाई हूँ, एक अपनी बहन का छोटा भाई है ये, हाँ क्यूट सा बेबी, अर्शु भी आप मेरे को रक्षाबंधन पे क्या गिफ्ट दोगे, डायमंड की रिंग दे जीजा को, दो डायमंड की रिंग दूंगा, डायमंड की रिंग देगा, हाँ अरे वाह यार, थैंक यू।